प्रोग्रामिंग फॉर लिंग्विस्ट का ये हमारा दूसरा सेशन है। पिछले सेशन में हमने वेरिएबल्स फॉर कंट्रोल स्ट्रक्चर और लिस्ट इन तीन टॉपिक्स को देख लिया था, और उसके साथ साथ स्पेसी लाइब्रेरी की एक एग्जांपल देख ली थी। आज के टॉपिक्स कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में फॉर हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा उसका इम्प्लीमेंटेशन दोबारा आएगी। फिर आज हमें जो दूसरी चीज देखनी है वो इफ एल्स है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, दो मेजर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं प्रोग्रामिंग में। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के तीन बुनियादी एलिमेंट्स हैं। पहला सीक्वेंस, कि हम स्टेटमेंट सीक्वेंस में रन करते हैं, पहले पहली लाइन पहले एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। उसके बाद सेकंड चीज है आइट्रेशन, के हम बास स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट कर सकते हैं, तो वो रिपीटेशन या आइट्रेशन कहलाता है, और फॉर उसकी एक एग्जाम्पल है। तीसरी चीज है सिलेक्शन, के हम कंडीशन चेक करते हैं और उन कंडीशन की बेस पे फैसला करते हैं कि हमें कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। तो आज हम इफ एल्स देखेंगे और फॉर का जिक्र दोबारा से आ जाएगा। उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, कि हमने अपने डेटा को वेरिएबल्स में किस तरह से रखे हैं। एक तो सिंपल वेरिएबल्स होते हैं, कि हमने नंबर स्टोर कर लिया तो वो सिंपल वेरिएबल है। उसके मुकाबले में फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें एक एलिमेंट नहीं होता बल्कि एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं। लास्ट टाइम हमने लिस्ट देखी थी, आज हम लिस्ट के साथ साथ सेट की भी एक एग्जांपल देखेंगे। और फिर लाइब्रेरी, एनएलटीके लाइब्रेरी में टोकनाइजेशन, वर्ड्स में स्प्लिट करना सेंटेंस को, स्ट्रिंग को, और पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग किस तरह करते हैं नेचुरल लैंग्वेज टूल किट के थ्रू, ये देखेंगे। नेचुरल लैंग्वेज टूल किट इसलिए यूज की है कि इसके साथ जो बुक अवेलेबल है, ऑनलाइन बुक अवेलेबल है, उससे आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल आखिर में जहाँ एक्सरसाइज है, मैंने वहाँ पे उसका लिंक दोबारा भेज दिया है, तो उसको पढ़कर आप खुद भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं इफ स्टेटमेंट से। इफ स्टेटमेंट, अगर हमें कोई कंडीशन चेक करनी है, अच्छा है, तो वहां इफ स्टेटमेंट होती है कि अगर फ्राइडे है तो हमारी क्लास हो सकता है कि 3 to 5 हो रही है, अगर सैटरडे है तो वो 11 to 1 हो। तो ये डिफरेंट कंडीशंस की बेस पर हम डिफरेंट फैसला करेंगे। फ्राइडे को लंच टाइम इतने बजे होगा, आम दिनों में लंच टाइम इतने बजे होगा। इन कंडीशंस को चेक करके हमें स्टेटमेंट्स डील करनी है। पहली जो एग्जांपल है वो जस्ट रिवीजन है, जो लास्ट टाइम किया था, कि हमारे पास इनपुट लेना है हमें, एंटर अ वर्ड। अच्छा, इससे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये आप लोड किस तरह से करेंगे। मैंने फाइल आपको भेजी है, उसे आपने अपने हार्ड डिस्क पे डाउनलोड कर ली। फिर आप फाइल पे जाएं, अपलोड नोटबुक पे क्लिक करें, और यहां से जाके चूज फाइल में जाके हार्ड डिस्क पे वो नोटबुक चूज कर लें, और ओके करेंगे तो आपके पास ये फाइल खुली हुई मिलेगी। तो ये जो चीजें मैं भेज रहा हूँ आपको, colab.research.google.com टाइप करें और वहां जाके उसको एंटर करें, और इसमें माइनर चेंजेस करके आप खुद चला के देखें कोड को। तो फाइल अपलोड पे जाकर जो मैंने फाइल भेजी है उसे अपलोड कर दें, और चाहें तो साथ साथ खुद भी चला दें। पहले वाले जस्ट रिविजन के हमने एक वर्ड को इनपुट लेना था, एंटर अ वर्ड, कोई भी हमने वर्ड इनपुट लिया, पाइथन हमने इनपुट ले लिया फॉर एग्जांपल, और उसकी पाइथन की लेंथ 6 है, ये हमें पता चल गया। अब इसके बाद हमें स्टार्ट करना है कोडिंग इफ के थ्रू। इफ के थ्रू अब हम ऐसा प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं जो हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं जो ये चेक करके बताएगा कि आपका इनपुट वर्ड 5 लेटर से ज्यादा है या 5 लेटर से कम है। कोई भी कंडीशन लगा सकते थे, तो पहली कंडीशन हमने ये लगाई कि हम ये चेक कर रहे हैं कि वो इनपुट वर्ड में 5 से ज्यादा लेटर्स हैं। अगर 5 से ज्यादा लेटर्स हैं तो हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे कि द वर्ड हैज मोर देन 5 लेटर्स। तो स्टार्ट उसी तरह से किया हमने, एक अब हार्ड कोड कर दिया है। हार्ड कोड का मतलब यह है कि वर्ड इज इक्वल टू लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जो स्ट्रिंग लैंग्वेज है, जो टेक्स्ट लैंग्वेज है, वो वेरिएबल वर्ड में जाके स्टोर हो गया है। अब वर्ड वेरिएबल वर्ड के अंदर स्ट्रिंग लैंग्वेज है।
इफ लेंथ ऑफ वर्ड इज ग्रेटर देन 5 तो हमने ये स्ट्रिंग प्रिंट करवा देना है. रन किया हमने इसे, इफ लेंथ ऑफ द वर्ड इज ग्रेटर देन 5 तो उसने ये प्रिंट करवा दिया द वर्ड हैज मोर देन 5 लेटर्स. अगर ऐसा नहीं होता, इस वर्ड की लेंथ कोट से कम होती तो क्या होता, जैसे ये 4 लेटर का वर्ड है, एक ये स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग लास्ट टाइम भी कहा था कि स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जिसे प्रोग्रामिंग की दुनिया में स्ट्रिंग कहते हैं. तो स्ट्रिंग का जब भी जिक्र आएगा तो वो एक टेक्स्ट होगा और सीक्वेंस उसे डिफाइन हम करेंगे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. तो अब जो हमने दूसरा स्ट्रिंग स्टोर किया वर्ड में, पहले वाले को जो ओवरराइट कर देगा, अब वर्ड वेरिएबल वर्ड के अंदर कोड लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कोड हो गई CODE कोड. अब दोबारा से हमें चेक करना है इफ लेंथ ऑफ वर्ड इज ग्रेटर देन 5 तो वो क्या प्रिंट करे, द वर्ड हैज मोर देन 5 लेटर्स. इसको रन करके देख लेते हैं. जब इसको रन करेंगे तो इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया नीचे, ये तो टेक्स्ट है जो अगली वाली लाइन को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया. पिछले वाले को हमने रन किया था तो उसने ये प्रिंट कर दिया था, ये आउटपुट विंडो है, ये आउटपुट ब्लॉक है कि द वर्ड हैज मोर देन 5 लेटर्स, लेकिन इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया. क्यों? क्योंकि ये लाइन उस वक्त एग्जीक्यूट होगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी. इफ लेंथ ऑफ वर्ड उसने कैलकुलेट किया पाइथन में PYTHON 6 करेक्टर्स थे, तो वो उसकी लेंथ 6 थी. तो क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 5 ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो उसने इसके बाद वाली लाइन प्रिंट कर दी जो इंडेंट करके एक टैप करके लिखी हुई है. यहाँ पे उसने लेंथ ऑफ वर्ड कैलकुलेट की दूसरी वाले में, लेंथ ऑफ वर्ड कोट के बाद वाले में. यहाँ पर कोट की लेंथ CODE 4 थी, 4 इज ग्रेटर देन 5 ये कंडीशन फॉल्स हो गई. तो इसके बाद वाली कंडीशन हम चेक करते हैं, अगर वो ट्रू हो जाती है तो बाद में जो स्टेटमेंट्स होती हैं इसके बाद जो इंडेंटेड स्टेटमेंट होती है, इंडेंट का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे गया प्रिंट पे, अगर ये इस तरह से लिखता तो ये नहीं चलता. ये देखें उसने एरर दे दिया और क्या कहा, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक. इंडेंटेड का मतलब क्या है कि यहाँ आप आए और आपने टैब प्रेस कर दिया तो अब ये इंडेंट हो गया. इसका मतलब यह है कि ये इफ का इफ के अंडर मौजूद है, ये ब्लॉक इफ के अंडर मौजूद है. अब आपने इंडेंट कर दिया तो ये चल गया. तो इसी तरह से ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये एग्जीक्यूट हो गया. ये कंडीशन 4 इज ग्रेटर देन 5 क्योंकि लेंथ ऑफ कोड इज 4, 4 इज ग्रेटर देन 5 फॉल्स हो गई तो उसके नीचे वाली लाइन नहीं चली. तो इफ के साथ हम एक कंडीशन लगाते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके नीचे जितनी भी लाइन्स हैं इंडेंटेड लाइन्स वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं, और अगर वो नहीं है तो फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होती और फिर आगे हम आगे चले जाते हैं. तो ऊपर वाली लाइन में एरर था, उसके लिए अगर हमें अब डील करना है कि अगर वो 5 से बड़ा है तो वो मैसेज दे द वर्ड हैज 5 मोर देन 5 लेटर्स. अगर वो 5 से लेंथ उसकी 5 से कम है तो उसे मैसेज देना चाहिए द वर्ड हैज 5 और लेस देन 5 लेटर्स. लेटर्स के लिए, उसके लिए फिर हमें इफ के साथ दूसरी चीज इन्वॉल्व करनी पड़ेगी एल्स. वर्ड हमने इनपुट लिया, लेंथ ऑफ वर्ड चेक की, इफ इट इज ग्रेटर देन 5 तो उसकी नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी मोर देन 5 लेटर्स वाली. एल्स अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है, ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो फिर एल्स के बाद जो कुछ जो लाइन लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. तो इफ और एल्स में यह है कि इफ के बाद एक कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ के बाद वाली जितनी भी लाइंस हैं उस ब्लॉक में, उस इंडेंटेशन ब्लॉक में, वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी. और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स के बाद वाली जितनी भी लाइंस हैं जो इंडेंटेड ब्लॉक में मौजूद है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी. तो वर्ड हम इनपुट ले लेते हैं, कुछ भी इनपुट लिया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने लैंग्वेज इनपुट लिया. जब मैं लैंग्वेज इनपुट लूंगा तो लैंग्वेज कि लेंथ, लेंथ ऑफ लैंग्वेज लास्ट टाइम हमने कितनी कही थी, 8 है. 8 इज ग्रेटर देन 5, 8 इज ग्रेटर देन 5 ये ट्रू हो गई तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई और एल्स वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, द वर्ड हैज मोर देन 5 लेटर्स. दोबारा से रन करते हैं. अब कोई छोटा वर्ड लेते हैं CODE कोड. कोड लिया, कोड की लेंथ 5 से कम है
तो 4 इज ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हमने तो ये वाली तो ट्रू वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, बल्कि एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, द वर्ड हैज 5 और लेस लेटर्स। इवन अगर 5 लेटर वाला कोई है, फॉर एग्जांपल बुक्स है, BOOKS बुक्स, उस केस में भी यही रिजल्ट आएगा, द वर्ड हैज 5 और लेस लेटर्स। तो ये इफ और एल्स आ गया। हो सकता था हम इसके साथ साथ ये भी देखना चाहते हैं कि मुझे इस तरह के मैसेज मिले कि अगर वो 5 लेटर्स, 4 या 5 जो भी है, हम ये वाली कंडीशन देख लेते हैं। हमें ये 3 मैसेज चाहिए, द लेंथ ऑफ वर्ड इज ऑफ 4 लेटर्स, ये, या लेंथ ऑफ द वर्ड इज ग्रेटर देन 4 लेटर्स, और लेंथ ऑफ द वर्ड इज लेस देन 4 लेटर्स। तो तीनों ऑप्शन, अगर वो 4 लेटर का है तो वो बता दे इट इज ऑफ 4 लेटर्स, अगर वो ग्रेटर देन 4 है तो भी बता दे, और लेस देन 4 है तो भी बता दे। इस कंडीशन के लिए फिर हमें इफ और एल्स के साथ एक और चीज इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी, एल्स इफ। एल्स और इफ और एल्स इफ को शॉर्ट करके, क्योंकि प्रोग्रामिंग तेज तेज करनी होती है तो अक्सर वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म यूज कर दी जाती है, तो एल्स पूरा नहीं लिखते, उसका ई एल लिखते हैं और उसके साथ इफ लगा देते हैं, एल इफ। तो हम एल इफ यूज करेंगे और ई एल एल फॉर एल्स और आई एफ इफ, और एल इफ जो है ना बेसिकली एल्स इफ के लिए होगा। तो अब इसके लिए वही कोड है जिसे हम चेंज कर लें। अच्छा, ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के लिए और समझाने के लिए मैं पहले एक छोटा कोड लिखता हूँ, उसमें अपेंड करके फिर बड़ा कोड लिखता हूँ, फिर उससे बड़ा कोड लिखता हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में जब कोड लिखते हैं तो एक ही वक्त में सही कोड लिखते हैं, तो अक्सर ये होता है मैं 5-6 दफा एक छोटा सा कोड लिखा, फिर उसमें एक लाइन ऐड की, फिर उसमें एक और लाइन ऐड की, और आखिर में 5-6 ब्लॉक्स के बाद हम फाइनल पे पहुंचते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको वो इंटरमीडिएट वाली कोई चीज नहीं लिखनी होगी, फाइनल वाली 8-10 लाइनें वही एक साथ लिखनी होगी। तो जस्ट हम आहिस्ता आहिस्ता इसको डील कर रहे हैं। वर्ड इनपुट लेंगे, जो भी इनपुट स्ट्रिंग होगा वो वर्ड में चला जाएगा। लेंथ ऑफ वर्ड इज हमने कैलकुलेट करके रख ली, लेंथ ऑफ वर्ड, लेंथ एक फंक्शन है, जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। वो फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन वर्ड की लेंथ बता देगा कि वर्ड में कितने करेक्टर्स हैं, और वो लाके लेंथ में, वेरिएबल लेंथ में रख देगा। यहाँ पे आप देखें वो 8 अभी जो वर्ड है उसमें 8 है। हम लर्न उठा लेते हैं, कुछ पाइथन ही लिख दिया, एक सेकंड, आगे जाकर ये क्या, इसी एग्जांपल को आगे लग, तो हमने ये फॉर एग्जांपल एग्जांपल चल रही है, ठीक है, पाकिस्तान हैज मोर देन 4 लेटर्स, ठीक है, 4 लेटर वाला कोई देखें। अच्छा, ये हुआ किस तरह से, सॉरी हमने ये लिखा लैंग्वेज फॉर एग्जांपल। अब ये हुआ क्या, लैंग्वेज लिख के जब हम एंटर करेंगे तो क्या होगा, ये जो वेरिएबल वर्ड है उसमें लैंग्वेज चला जाएगा, लैंग्वेज वर्ड चला जाएगा, फिर लेंथ ऑफ लैंग्वेज कैलकुलेट होगी जो 8 आ जाएगी, तो हमारे पास लेंथ में 8 आ जाएगा। कंडीशन चेक होगी, 8 इज, इफ 8 इज ग्रेटर देन 4, क्योंकि ये ट्रू हो गई है तो इसके बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, तो इसके बाद वाली लाइन क्या एग्जीक्यूट हो जाएगी, द वर्ड हैज मोर देन 4 लेटर्स। अगर हमारे पास एग्जैक्टली 4 लेटर वाला वर्ड होता तो क्या करते, CODE कोड। कोड जब आया तो क्या हुआ, वर्ड में अगर आप वर्ड के ऊपर लेके जाएं तो इसके अंदर इनपुट में, इनपुट वर्ड में चला गया, नहीं वर्ड हो गया कोड, लेंथ ऑफ कोड इज 4। अब हमने ये कंडीशन चेक की, इफ 4 इज ग्रेटर देन 4, तो 4 से बड़ा नहीं होता है, ये कंडीशन फॉल्स हुई, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमने इसके बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं की। उसके बाद हम आए एल्स इफ पे, अगर एल्स होता, एल्स इफ नहीं होता तो जस्ट हम ये लिख देते द वर्ड हैज लेस देन 4 लेटर्स, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें एक कंडीशन और चेक करनी है, तो वो चेक करने के लिए हमने कहा कि एल्स इफ यूज करेंगे। एल्स, एल्स को कहा कि अगर ये ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स में हम क्या करें, लेकिन उसके साथ हमने इफ भी लगा दिया कि एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं कि लेंथ इक्वल इक्वल 4,
ये याद रखिएगा कि आम जिंदगी में हम इक्वल लिखते हैं तो उसे दो मायनों में इस्तेमाल करते हैं। हम ये इक्वल को इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन के लिए कि ए इक्वल्स टू बी का मतलब है ए और बी बराबर है, थ्री इक्वल्स टू थ्री का मतलब है थ्री और थ्री बराबर है, या थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन का मतलब है थ्री स्क्वायर और नाइन बराबर है। तो हम ये बराबर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और असाइनमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि एक्स इज इक्वल टू थ्री हमने लिखा तो थ्री की वैल्यू एक्स के अंदर चली गई। प्रोग्रामिंग में हमें हर किस्म के एम्बिग्यूटी को रिमूव करना होता है। तो आम जिंदगी में हम इक्वल ऑपरेटर को दो कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें दोनों के लिए अलग है चीजें। जब हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं जैसे वर्ड इज इक्वल टू इनपुट, तो इनपुट से जो वैल्यू आई है वो वर्ड में चली गई। असाइनमेंट के लिए हम सिंगल इक्वल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, जब हमें कंपेरिजन करना होता है तो डबल इक्वल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इसमें सिंगल लेंथ इज इक्वल टू फोर लिख देता तो पाइथन ये समझता कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि फोर की वैल्यू लेंथ में असाइन कर दो। मैं ये असाइन नहीं करना चाहता बल्कि मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। कंपेयर करने के लिए फिर मैंने इसलिए डबल इक्वल लिखा लिखा है। तो अगर लेंथ इक्वल है फोर के तो हमें ये लाइन एग्जीक्यूट करनी है, कोट की लेंथ फोर है तो हमने जाहिर है ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करवा दी। तो हमने सॉरी ये फिर हो गया सीओडी कोड लिखा, कोट की लेंथ फोर थी, पहला वाला फोर इज ग्रेटर देन फॉर फॉल्स हुआ, हम यहाँ पे आ गए। फिर फोर इक्वल इक्वल फोर ये ट्रू हुआ तो हम यहाँ पर आ गए, और द वर्ड हैज फोर लेटर्स हमने प्रिंट कर दिया। तीसरा इसमें तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि वो फोर से भी छोटा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ आई टी इट लिख दिया, अगर मैंने इट लिखा तो वर्ड हैज लेस देन फोर लेटर्स। अब क्या हुआ आई टी इट वर्ड में चला गया, लेंथ ऑफ वर्ड जो हो गई वो आई टी में क्योंकि दो कैरेक्टर्स हैं तो लेंथ हो गई टू। टू इज ग्रेटर देन फोर, फोर फॉल्स हुआ, टू इज ग्रेटर देन फोर नहीं होता है, फॉल्स हुआ तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। एल्स इफ में देखा लेंथ इक्वल्स इक्वल फोर, टू इक्वल इक्वल फोर, क्या टू फोर के इक्वल होता है, वो भी नहीं होता तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं हुई। आखिर में बस ये बचा कि अगर ये ऊपर वाली सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो हमें एल्स में ये जो लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट करवाना है, तो द वर्ड हैज लेस देन फोर लेटर्स। तब आपके पास ये तीनों ऑप्शंस आ गए। अब हमें फिर जो एग्जाम्पल्स लेके चलनी है वो, क्योंकि यही वेरिएबल जो मैं इनपुट लूंगा आगे बहुत सारी चीजों में जाएगा, तो हमने एक और वेरिएबल इनपुट ले लिया पाकिस्तान और इसको भी वो हो गया कि मोर देन फाइव फोर लेटर्स। तो इफ का इस्तेमाल करना अब आपको आ गया कि इफ में ये तीन मेजर चीजें होती हैं जो आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है। अब इसको सॉल्व करके वॉवल काउंटिंग करके देखते हैं कि वॉवल लास्ट टाइम हमने वॉवल काउंट किए थे तो उसको दोबारा से काउंट करते हैं कि जो इनपुट वर्ड है उसमें कितने वॉवल्स हैं, वो काउंट करना है। लास्ट टाइम हमने किया था तो हमने वॉवल की एक लिस्ट बनाई थी और उस वॉवल लिस्ट पे आइट्रेट किया था, इस दफा उससे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। एक बात और अभी तक जो लास्ट टाइम नहीं देखी थी हमने कि जो हमारा स्ट्रिंग होता है जो टेक्स्ट होता है जिसे हम प्रोग्रामिंग की जबान में स्ट्रिंग कहते हैं, स्ट्रिंग खुद भी जो है वो एक लिस्ट होती है, स्ट्रिंग इज अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। अच्छा दो टर्म्स में बोल रहा हूँ, एक टर्म कंप्यूटर दो सेट ऑफ टर्म्स में बोल रहा हूँ, एक सेट ऑफ टर्म्स कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव से, एक सेट ऑफ टर्म जनरल पर्सपेक्टिव से। मैं टेक्स्ट भी बोल रहा हूँ और मैं लेटर भी बोल रहा हूँ, और टेक्स्ट को प्रोग्रामिंग यहाँ पर प्रोग्रामिंग की दुनिया में स्ट्रिंग कहते हैं। तो हो सकता है आइंदा मैं टेक्स्ट ना बोलूँ, मैं उसकी जगह स्ट्रिंग का वर्ड यूज करूँ, तो टेक्स्ट इज स्ट्रिंग। अच्छा दूसरी चीज मैं लेटर्स बोल रहा हूँ क्योंकि हम नॉर्मली एबीसीडी को लेटर्स कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर में जो चीज भी हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टोर करते हैं उसे कैरेक्टर कहा जाता है, और उसमें लेटर्स भी होते हैं, उसमें पंक्चुएशंस भी होती हैं, उसमें स्पेस भी होता है, उसमें डिजिट्स भी होते हैं, वो सारी चीजें मिलके कैरेक्टर्स कहलाती हैं। तो बेहतर वर्ड कैरेक्टर है, लेटर्स मैं इसलिए लिखता हूँ कि वो समझने के लिए ज्यादा आसान है। तो स्ट्रिंग जो है या वो इज अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। तो अब फॉर एग्जाम्पल हमने कोड लिखा था तो वो एक लिस्ट बन जाती है जिसका पहला एलिमेंट सी होता है, दूसरा एलिमेंट ओ होता है,
तीसरा एलिमेंट डी होता है और चौथा एलिमेंट ई होता है। ये है कि एक स्पेशल लिस्ट है, बिल्ट इन लिस्ट है, तो वो इसमें कुछ चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, हमें लिस्ट की तरह से हर चीज को अलग अलग डिफाइन नहीं करना पड़ता। तो फॉर सी एच इन वर्ड, फॉर एवरी करेक्टर इन वर्ड, तो वर्ड एक लिस्ट है। लास्ट टाइम इसी तरह से हम लिस्ट को आइट्रेट कर रहे थे, अगर आप लास्ट दफा खोल के देखें तो हमने एक वॉवल लिस्ट बनाई थी, और फिर फॉर वॉवल इन वॉवल लिस्ट करके हम वन बाय वन वॉवल्स प्रिंट कर रहे थे। उसी तरीके से फॉर के जरिए सी एच फॉर करेक्टर वेरिएबल है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। इन वर्ड, वर्ड एक लिस्ट है, तो वर्ड एक लिस्ट है जिसमें पाकिस्तान अगर मौजूद है तो इसमें सात एलिमेंट्स हैं, पी पहले एलिमेंट, पी दूसरा ए, तीसरा के, एंड सो ऑन। तो वन बाय वन पहले पहला एलिमेंट पी इसमें आएगा, पी प्रिंट हो जाएगा, फिर दूसरा एलिमेंट ए इसमें आएगा, ए प्रिंट हो जाएगा, फिर तीसरा एलिमेंट के इसमें आएगा, के प्रिंट हो जाएगा, एंड सो ऑन। वन बाय वन इसके सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। तो जब फॉर की लूप चलती है लिस्ट पर, तो लिस्ट का एलिमेंट्स वन बाय वन सी एच में जाते रहते हैं। पहला एलिमेंट पी आया और प्रिंट सी एच, और पी प्रिंट हो गया। दूसरा एलिमेंट ए आया, ए प्रिंट हो गया, एंड सो ऑन, ये हमारे पास पूरा प्रिंट हो गया। तो जस्ट ये तो हमने करेक्टर्स अलहदा अलहदा कर दिए। टारगेट हमारा क्या है कि वॉवल काउंट करके देने के इसमें कितने वॉवल्स हैं। सो वी मेक लिस्ट ऑफ वॉवल्स, देन फॉर ईच करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग हमें फिर वॉवल्स डील करने हैं। तो अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड हो रहा है, लेकिन ये इसको हम अलहदा अलहदा पहले पढ़ चुके हैं। वॉवल्स की हमने एक लिस्ट बनाई, ए आई ओ यू पांच एलिमेंट्स हैं, तो वॉवल्स इक्वल अब असाइन हो रहा है एक लिस्ट। लिस्ट बनाते वक्त चीजों को डबल को ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। पहला एलिमेंट ए है कॉमा, दूसरा एलिमेंट ई है, तीसरा एलिमेंट आई है, चौथा ओ और यू। जब हमें स्ट्रिंग्स रखने होते हैं तो स्ट्रिंग्स को सिंगल कोट या डबल कोट में रखना होता है। अगर मैं नंबर रख रहा होता है 2, 4, 6, 8, 10, तो फिर वो डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर नहीं रखता, क्योंकि वॉवल्स क्योंकि वॉवल्स जो है वो स्ट्रिंग है, इसलिए आपको डबल कोट में या सिंगल कोट में रखना है। और डबल कोट और सिंगल कोट इक्विवेलेंट है, आप जहां पे भी डबल कोट लगा हुआ है उसकी जगह सिंगल कोट लगा दें, या वैसे वर्सा, तो ये चले। तो हमने एक लिस्ट बना दी वॉवल्स की, दूसरी लिस्ट हमने बना दी काउंट इज इक्वल टू जीरो, दूसरा हमने वेरिएबल बना दिया काउंट और उसकी वैल्यू इनिशलाइज कर दी जीरो से, कि शुरू में काउंट ऑफ वॉवल्स इज जीरो। अच्छा, वेरिएबल्स के नाम आपकी मर्जी है कि जितने ज्यादा डिस्क्रिप्टिव रखें उतने अच्छे हैं, लेकिन ये होता है कि आपको हर बार बार वो वेरिएबल लिखना पड़ता है। तो वॉबल को वॉबल लिस्ट भी कह सकते थे, काउंट को काउंट ऑफ वॉबल्स भी कह सकते थे, ये सब कुछ हो सकता था। डिपेंड करता है कि आपको वेरिएबल का नाम समझ में आना चाहिए, बाद में आप 2 महीने बाद ये कोड पढ़ें तो आपके समझ में आ जाए, और दूसरी चीज ये है कि इतना लंबा ना हो कि आपको लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगे। तो काउंट इज इक्वल टू जीरो, इसमें हम काउंट ऑफ वेरिएबल्स वॉबल्स रखेंगे। फॉर सी एच इन वर्ड, ये वही है जो ऊपर वाले कोड में था, कि आपने वर्ड लिस्ट को आइट्रेट करना शुरू किया और उसमें से जो भी करेक्टर्स मौजूद है वन बाय वन सी एच में आते जाएंगे, सी एच फॉर करेक्टर। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे इफ करेक्टर इन वॉवल्स, अगर ये करेक्टर वॉवल लिस्ट में मौजूद है तो हमें क्या करना है, काउंट की वैल्यू को वन इंक्रीज कर देना है, अगर नहीं है तो फिर हम नहीं करेंगे। तो करेक्टर जैसे पहली दफा पी आया, पी को हमने वॉवल लिस्ट में चेक किया, नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न होगा, हम काउंट को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। दूसरी दफा, बल्कि मैं एक काम और करता हूं, प्रिंट सी एच करेक्टर कौन सा है और काउंट, काउंट की करंट वैल्यू क्या है, ये भी हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि आउटपुट किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो काउंट अगर ट्रू होगा तो, अच्छा इसको मैं यहां पे प्रिंट कर रहा हूं, इसकी इंडेंटेशन लेवल ये है, ये थोड़ा सा अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं एक चीज। तो अगर काउंट होगा तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, नहीं होगा तो इंक्रीमेंट नहीं होगा, और आखिर में द वर्ड हैज इतने वॉवल लेटर्स। अब रन करके देखते हैं।
वन बाय वन लेटर्स इसमें आते रहे। अच्छा हम डिस्कनेक्ट होंगे तो दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे 10 मिनट बाद। अच्छा वन बाय वन करेक्टर्स आते रहे। पहला करेक्टर पी था, पी इन वॉवल्स फॉल्स था इसलिए ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, काउंट की वैल्यू हुई पुरानी रही। दूसरा लेटर ए आया, ए में ए की वैल्यू क्योंकि ए जो है वो इस वॉवल लिस्ट में मौजूद था, जो ऊपर वॉवल लिस्ट मौजूद है ये दोनों वॉवल लिस्ट, क्योंकि ए वॉवल लिस्ट में मौजूद है तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब ये है ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, 0+1 काउंट की वैल्यू 1। फिर के आया, के वॉवल लिस्ट में नहीं था तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, काउंट की वैल्यू वही पुरानी रही। आई आया, आई इज इन वॉवल, आई इस वॉवल लिस्ट में है तो काउंट की पुरानी वैल्यू 1 थी, अब 1+1 काउंट की वैल्यू 2 हो गई। एंड सो ऑन इसी तरह से चलते गए और आखिर में हमें पता चला कि काउंट 5 था। द वर्ड पाकिस्तान हैज 3 वॉवल लेटर्स। तो वन बाय वन करके इसने ये डील कर लिया। इंडेंटेशन का आपको ख्याल रखना है। अभी मैंने ये देखें कि फॉर जब स्टार्ट हुआ तो फॉर के जितने भी चिल्ड्रन है वो एक स्टेटमेंट जब फॉर में एग्जीक्यूट होंगी वो वन इंडेंटेशन के बाद यहाँ है। इफ मैंने लिखा तो इफ के बाद, अगर इफ टू होता है तो वो लाइन एग्जीक्यूट होगी जो इसके बाद इंडेंटेड है। इंडेंटेड का मतलब आप ये देख रहे हैं, माउस कर सकते हैं। अब अगर देखें तो ये जो काउंट वाली लाइन है, इस काउंट वाली लाइन में एक टैब मौजूद है, ये यहाँ से इफ के बिल्कुल नीचे नहीं है बल्कि उसके बाद आपने एक टैब प्रेस किया, टैब लेफ्ट पे टॉप पर होता है वो प्रेस किया तो ये बना और उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हुई। प्रिंट नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो रही। तो अच्छा अगर मैं प्रिंट को भी टैप कर दूं यहाँ पे तो क्या होगा? पहले मैंने ये लिखा था फिर मैंने करेक्शन की, अगर मैं ये कर दूंगा तो क्या होगा? इसका मतलब यह है कि ये लाइन उसी वक्त प्रिंट होगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अभी ये लाइन जब ये टैप नहीं थी तो फॉर की हर आइटरेशन में एग्जीक्यूट हो रही थी। पी ये कंडीशन फॉल्स हुई थी पी में जब भी एग्जीक्यूट हो रही थी, ए में ये कंडीशन ट्रू हुई थी जब भी एग्जीक्यूट हो रही। अगर मैं इसे इसके नीचे ले जाऊं टैप में तो अब ये इफ का चाइल्ड है, फॉर का चाइल्ड नहीं है। फॉर का ये ग्रैंड चाइल्ड जरूर है लेकिन चाइल्ड नहीं है। तो अब अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये प्रिंट एग्जीक्यूट होगा ओनली उन दोज कंडीशन जब ये कंडीशन ट्रू होगी। पी आया, पी इन वॉवल्स फॉल्स हुआ तो ना तो काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई और ना ही ये प्रिंट हुआ। ए आया तो ए इन वॉवल्स ये ट्रू हुआ तो काउंट की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो गई और ए आपके पास ये चीज प्रिंट भी हो गई ए वन। इसी तरह से के में इंक्रीमेंट नहीं हुई, आई में इंक्रीमेंट हो गई तो ये प्रिंट हो गया। तो ये आपको इंडेंटेशन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आप इसे यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, इसे यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, और इसे अगर मैं फॉर के नीचे रख दूं तो फिर ये फॉर का चाइल्ड है। तो जब हम फॉर से एग्जिट करेंगे तो ये चलेगा बल्कि ये एरर देगा, ये कहेगा मैं सीएच को तो जानता ही नहीं हूँ। अच्छा जानता है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक दफा एग्जिट करेगा जो जब वो फॉर से बाहर आ गया तो इंडेंटेशन से हर चीज चेंज हो सकती है कि आपको यहाँ रखना है तो ये सारी की सारी लाइनें फॉर की एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद ही एग्जीक्यूट होगा जिस तरह से नीचे वाला प्रिंट। इसको एक इंडेंटेशन बात करेंगे तो फॉर की हर आइट्रेशन में फॉर जितनी दफा एग्जीक्यूट होगा वो हर दफा एग्जीक्यूट होगा, और अगर आप इसे रख देंगे तो जब इफ ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट है। तो ये अब आपकी मर्जी है कि इसे कहाँ रखें, इसकी बेस्ट जगह ये थी। तो ये आपको ख्याल रखना होता है इंडेंटेशन के लिए। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नॉर्मली ये तो ब्रैकेट्स लगा देते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रख देते हैं या बिगिन एंड लगा देते हैं। पाइथन कहता है कि ये काम आप इंडेंटेशन से करें। ये बन गया, हमने वॉवल्स पता कर लिए, लेकिन वो वॉवल्स एड करना, तो लिस्ट को थोड़ा सा लिस्ट के कुछ फंक्शन हम मजीद आगे जाना चाहते हैं। अच्छा उससे पहले नॉट इन भी देख लें कि अगर हमें नॉन वॉवल्स काउंट करने थे तो हम क्या करते। नॉन वॉवल्स काउंट अगर हमें करने थे
तो इफ करेक्टर आर इन नॉट इन वॉवेल्स तो आपको काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। तो अगर करेक्टर वही उसी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ, अगर करेक्टर उसमें नहीं है तो अगर करेक्टर फॉर एग्जाम्पल पी आया, पी वॉवल लिस्ट में नहीं है नॉट इन, तो काउंट को वो हमने वन इंक्रीमेंट कर देंगे। ए वॉवल लिस्ट में है तो वो ए को इंक्रीमेंट नहीं करेगा, काउंट को इंक्रीमेंट नहीं करेगा। के नॉट इन वॉवल लिस्ट तो वो काउंट को इंक्रीमेंट कर देगा। तो उसूलन इसका आंसर क्या आना चाहिए था, ये आंसर गलत आया है। उसूलन आपके ख्याल में ये मैं कोड चलाऊंगा तो क्या आंसर आएगा, पी पर यस होगा काउंट वन इंक्रीमेंट हो जाएगा, ए नो के एस टी एन, तो फाइव इसका आंसर आना चाहिए। द वर्ड पाकिस्तान हैज फाइव नॉन वॉवल लेटर्स, आंसर एट आ रहा है, काउंट में एट वैल्यू है, तो क्या गलती है। अब ये कॉशंस हैं जो प्रोग्रामिंग करते वक्त आपको जहन में रखने हैं कि ये गलतियां ना करें। एक गलती वो थी कि इंडेंटेशन गलत ना लगाएं, आपको इंडेंटेशन से पता चलेगा कि वो आप इफ के साथ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, फॉर के साथ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या फॉर से बाहर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इसी तरह से वेरिएबल जब हम यूज करते हैं, पिछले दफा हमने वेरिएबल काउंट यूज किया था और काउंट की वैल्यू यहाँ पे थ्री थी, तो स्टिल इस वेरिएबल काउंट में वैल्यू थ्री पड़ी हुई है। अगर अब मैं काउंट में कोई चीज ऐड करना चाहूंगा, काउंट की वैल्यू थ्री अभी भी मौजूद है, तो अगर आप इस काउंट में मैं कोई वैल्यू चीज ऐड करना चाहूंगा तो थ्री में, तो वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि थ्री से स्टार्ट होगा। थ्री में वन ऐड किया फोर, तो मैंने कहा था ना इसमें पांच नॉन वॉवल्स हैं, तो पांच नॉन वॉवल्स की वजह से थ्री प्लस फाइव एट, काउंट की वैल्यू एट हो गई। हमें क्या करना था, हमें क्योंकि नॉन वॉवल काउंट करने थे तो दो तरीके थे इसके। एक तरीका तो ये होता मैं एक नया वेरिएबल बना देता नॉन वॉवल काउंट और यहाँ आके लिखता नॉन वॉवल काउंट इज इक्वल टू नॉन वॉवल काउंट प्लस वन, तो कोई नया बना देते। दूसरा बना देते इवन लोग ये कर, दूसरा तरीका यह है कि आप काउंट को जीरो से इनिशलाइज करें कि अब ये काउंट की वैल्यू दोबारा से जीरो हो गई है और फिर हम इसे काउंट कर रहे हैं। तो अब इस कोड को दोबारा से काउंट किया, काउंट इज इक्वल टू जीरो फॉर करेक्टर इन वर्ड, इफ करेक्टर नॉट, अगर ये करेक्टर उसमें नहीं है, जैसे पी नहीं है तो काउंट की वैल्यू वन इंक्रीमेंट हो जाएगी, के नहीं है तो काउंट की वैल्यू वन इंक्रीमेंट हो जाएगी, एन नहीं है तो काउंट की वैल्यू वन इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो पी के एस टी एन, इससे जो है ना ये काउंट फाइव हो गई। तो नॉट इन आप यूज कर सकते हैं वॉवल लिस्ट में, कि वॉवल लिस्ट के उस लिस्ट में किसी भी लिस्ट में कि वो लिस्ट में कौन सी चीज मौजूद नहीं है, अगर वो मौजूद नहीं होगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा और आपको इफ के बाद वाली चीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अगर मौजूद होगी तो रिटर्न फॉल्स आएगा और इफ के बाद वाली स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते।